टू डेवल स्टडीज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पिछले क्लास में मैंने बताया था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज विल बी फॉर्मड एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज विल बी फॉर्मड एट फोकस। देख लो ये मेरा कॉनकेव मिरर बात हो हमारा, दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द फर्स्ट केस। हमने कल पढ़ लिया था इसको, ऑब्जेक्ट कहां बैठा है इन्फिनिटी पे, फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, यहां पे ऑब्जेक्ट है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए, this is C and this is pole and this is the principal axis। हो गया क्या बाबू, हमने दो रे ले ली है, एक ले लिए ये ले लो रे, एक दूसरी वाली ये रे ले लो, हो गया क्या, this is, so this is the ray which is parallel to principal axis, so these two rays are parallel to principal axis, so after reflection they will pass through focus, so ये वाला रे कहां से पास करेगा बेटा, फोकस से पास करेगा, और ये वाला रे क्या कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। सो द टू रे आर कंसाइडिंग एट दिस पॉइंट, अबाउ रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर दो रे कंसाइड करता है वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज विल बी फॉर्मड at focus, and also image size will be very very smaller than object size, because babu iska image, इसका ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और इमेज का साइज क्या होगा, बहुत छोटा, यानी कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, उसका इमेज एकदम छोटा बनेगा, क्लियर। सो वेरी स्मॉल। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इमेज का, इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड, मतलब कि बाबू अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका इमेज क्या होगा, उल्टा बन जाएगा, यानी कि अगर ये हेड है और ये फुट है, अगर मान लीजिए ये हेड है और ये क्या है फुट है, तो ये क्या हो जाएगा फुट और दूसरा ये हो जाएगा हेड, यानी कि तुम्हारा क्या होगा फिगर उल्टा बन जाएगा, क्लियर। इन्वर्टेड का मतलब तो फिगर है, इमेज विल बी रियल है इन्वर्टेड, क्लियर। दिस इज द, ये हमने पढ़ लिया था। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ना है, सेकेंड पढ़ना है हमने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो देख लो बाबू, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये मिरर हो गया, ये क्या हो गया वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है तुम्हारा पोल है, और ये दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी कहीं दूर होगा, और ये सी है, तो बीच में ऑब्जेक्ट मान लो कि यहाँ है, बीच में कहा ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या लेना है, टू और मोर देन टू रेज लेने हैं, क्लियर। टू और मोर देन टू रेज, तो अपने चॉइस से दो रे ले सकते हो, क्लियर, अपने चॉइस से दो रे ले सकते हो। तो हमने दो रे लेना है, तो पहला रे हम ले लेंगे द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक रे ले लो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये बाबू रे है, एक ये रे ले लिया, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा रे ले लेंगे जो कि कहां से पास करेगा बाबू, सी से पास करेगा, दूसरा रे ये लो जो सी से पास करे, सी से। हमने दो रे लिया, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दूसरा रे सी से पास कर रहा है, सो दिस इज अ रे। अब पहला रे क्या, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से जाएगा। अच्छा, अब बाबू ये वाला रे क्या होगा, वापिस यही पाथ को फॉलो करेगा, यानी कि द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिड्रेस इस पाथ, यानी कि जो रे ऐसे जाएगा सेंटर से वही वापिस चला जाएगा, और द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, तो ये रे क्या पैरेलल है इसके, ये फोकस से पास करेगा। अब दोनों कहां मिल रहा है बाबू, यहां मिल रहा है, अब यहां क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। तो जहां पर दो रे मिलेंगे वही इमेज बन जाएगा, क्लियर। मींस व्हेन ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, ऑब्जेक्ट लाइ इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में है, इमेज कहां है बेटे, इमेज
लाई इन बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच इमेज बनेगा। तीसरा प्रॉपर्टी, अब देखो दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द साइज ऑफ इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। अब क्या है, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द साइज ऑफ इमेज, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है बाबू, बड़ा है, और इमेज का साइज क्या है, छोटा है। मीन्स इमेज विल बी स्मॉलर देन, इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब देखो द टू रे आर रियली इंटरसेक्टिंग ना, ये वाला रे और ये वाला रे सच में इंटरसेक्ट करे, रियली इंटरसेक्ट करे, मतलब इमेज विल बी ये अजय देख लेना एक बार, पूरा दिख रहा है इसमें, इमेज विल बी रियल एंड, अब देखो रियल के साथ साथ क्या है उल्टा भी है, यानी कि इन वर्टेड। क्लियर? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट लाइ बिटवीन सी एंड इनफिनिटी। गॉट माय पॉइंट? कोई थोड़ा सा क्या वीडियो को ऑन करो यार, एक दो जने कोई क्लियर वीडियो को ऑन करो, ये सब सही नहीं लगता। और ये क्लियर? गॉट माय पॉइंट बेटा? क्लियर। सो देखो डन, थर्ड वेन ऑब्जेक्ट लाई एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू? ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो क्या इमेज कैसे बनेगा देखो, ऑब्जेक्ट यहां की माना, दो रे लेनी है, दो रे लेनी अपने चॉइस से, तो हम दो रे लेंगे, एक रे लेंगे दिस इज द रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक ये रे ले लो और दूसरी ले लो जो फोकस से पास करता है। देखो यहां से इनफिनिट नंबर ऑफ रेज आएंगे, हमने दो ही लेना है, क्लियर? हमने दो ही लेना है, तो एक रे ये है और दूसरा रे ये है। सो दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से जाएगा तो फोकस से पास करा दो इसको। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? एंड दिस रे इज पासिंग थ्रू फोकस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आएगा पैरेलल हो जाएगा बाबू। क्लियर? तो इसे देखो पैरेलल, अब दोनों पर कहां कर रही है, यहां पर कर रही है ना, थोड़ा सा और इसको नीचे जा रही है। क्लियर? यहां पर कट रही है। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा ना इसमें ना इमेज बनाने में दिक्कत हो रहा है, अब ये कहां कट करेगा, ये सीधा सी पे कट करेगा, सी पे दो ही रे लेने, एक रे लेना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा सेंटर फोकस से पास करेगा। क्लियर? मैं फिगर को रिड्रॉ करता हूं, ये सी के नीचे जस्ट कट करेगा, सी के नीचे जस्ट कट करेगा, थोड़ा ढंग से बनाता हूं फिगर। तो ये क्या बाबू, दिस इज द पासिंग थ्रू, दिस इज पासिंग थ्रू फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? पैरेलल टू प्रिंसिपल। अब ये क्या रे बाबू, हमको यहां काटना है, ठीक है? दिस इज द रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर क्या कट करेगा यहां पे। क्लियर? अब देखो ये जो कट किया ना, ये सीधा सी के नीचे ही कट किया है, सी के नीचे कट किया है, आरी वास में सी के नीचे ही कट किया है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? गॉट माय पॉइंट? सो मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज विल बी एट सी, यानी कि ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज भी कहां होगा बाबू, सी पे ही होगा। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज सी पे ही होगा। अब देखो साइज देखो, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस द साइज ऑफ इमेज, दे आर सेम, मींस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
इज इक्वल टू साइज ऑफ ईमेल। दोनों का साइज क्या होगा बाबू? सेम होगा। दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है बेटा? द टू रे आर रियली इंटरसेक्टिंग। दोनों रे, एक ये वाली रे है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आया, आई वाली, दोनों क्या हो रही है? दे आर रियली इंटरसेक्टिंग ना। और जहां पर रियल इंटरसेक्शन का इमेज क्या बनता है? रियल। सो इमेज इज रियल, इमेज इज। देखो ऑब्जेक्ट बाबू ऐसा है और इमेज क्या है? ऐसा है। यानी कि ऑब्जेक्ट ये है और ये क्या बाबू? इमेज है। मतलब क्या दोनों उल्टा बन रहे हैं ना? मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज इज इन्वर्टेड। गॉट इधर क्लियर? गुड। लिखो कर लिया बेटा। गुड। नाउ फोर्थ वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। बाबू ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ हो? सेंटर ऑफ द नेचर और फोकस के बीच होगा। क्लियर तो कर लो। ये हो गया बाबू मिरर। अंकित फोन दे रहा हूँ। क्लियर। अब बाबू ये क्या है? पी है, ये क्या है? एफ है, और ये क्या है बाबू? सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ। तो हमने दो रे लेनी है। हमने क्या लेनी है? दो रे लेनी है। हमने दो रे लेनी है तो एक रे कौन सा लोगे? सी और एफ के बीच में। तो हमने दो रे लेनी है। क्लियर? तो हम दो रे में करेंगे। एक रे लेने के जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल हो। तो ये वाली रे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास थ्रू फोकस। ये कहां से पास करेगा बेटा? फोकस से पास करेगा। ऐसे दिस विल पास थ्रू फोकस। ये सी थोड़ा ऊपर बना दो। और दूसरी रे कौन सा लेंगे? दूसरी रे हम लोग ले लेंगे जो कि सी से पास करता है, जो कि सी से पास करता है। मतलब कि ये वाली रे ले लेंगे, एक यहां से रे ले लेंगे जो कि ऐसे पास करता है सी से। मान लो कि ऐसा कोई रे है, ऐसे पास करेगा। अब ये जो ऐसे सी से, देखो रे ऐसे जा रहा है, तो अगर इसको पीछे करोगे तो क्या होगा? लग रहा है कि सी से पास करेगा। जो रे सी से पास करेगा वापिस क्या हो जाएगा? अगर मान लो एक रे यहां से ऐसे निकल रहा है, तो आप पीछे से आओगे तो लगेगा क्या कि ये रे क्या हाँ सी से पास कर रहा है। और जो रे सी से पास करता है वापिस पास को क्या कर लेगा? वो पास को क्या करेगा? रिट्रेस कर लेगा ना। आ रही है बात समझ? ये वाला क्लियर होगा कंसेप्ट? ये वाला एक यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से दो रे लिया हमने, एक रे लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास थ्रू फोकस। अब एक रे ऐसा लेना है जो सी से पास करे। सी से पास करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि यहां से अगर मैं ऐसे डॉटेड लाइन बना दूं, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है यहां से, तो ये वाली जो रे होगी, ये रे कहां से पास करेगी? लग रहा है कि नहीं कि सी से पास कर रही है? ये वाली रे लग रहा है कि नहीं सी से पास कर रही है? लग रहा है कि नहीं? थंब अप करो। क्लियर। तो होगा क्या कि अब जो रे सी से पास करता है बाबू, या फील होता है कि सी से पास कर रहा है, वो क्या होगा? वापिस पाथ को रिट्रेस कर लेगा। यानी कि इधर से गया तो वापिस इधर से ही वापिस ये आ जाएगा इधर। अब देखो क्लियर। अब दोनों कहां होंगे? कहीं पे ये की रहे हैं, ये दोनों पर कहीं कट करेंगे कि नहीं करेंगे? कट करेंगे ना। और जहां पर कट करेंगे वहां क्या होगा? इमेज बनेगा। तो मैं आराम से इसको सही से बना लेता हूं बोर्ड पे। क्लियर? टाइम स्पेस में। क्लियर। चौथा केस ये बाबू, चौथा केस है ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। चौथा केस क्या? ऑब्जेक्ट इन, भरो इसमें ऑब्जेक्ट, पता नहीं इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ का ऑब्जेक्ट है बाबू। हम क्या करेंगे? मिरर बना लेंगे ऐसे। घर पे कॉपी पेन लेकर के स्केल से करोगे ना, एग्जैक्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा यहाँ क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। अब मैं मार्कर से कैसे कर सकता हूँ? दिस इज पोल, दिस इज फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बाबू। तो हमने एक रे ले लिया, दिस इज द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या होगा बाबू? ये फोकस से पास करेगा। ये क्या होगा? फोकस से पास करेगा। ये ऐसा कुछ जाएगा इधर। क्लियर?
अब दूसरा रे ले लिया जो कि सी से पास करता है। सी से पास करने का तरीका क्या, कैसे ऐसा डॉटेड लाइन बना देगा। ये वाली जो रे होगी बाबू यही वाली देख क्या होगी, सी से पास करेगी। तो ये क्या होगा, ये वापस ऐसे कैसे जाएगा ना, ऐसा है ना, यहाँ बड़ा थोड़ा सा दिक्कत होगा मुझे, यहाँ कोई नहीं पकड़ा मुझे। ये वाली रे है बाबू, ये पास कर रही है सी से, तो ये क्या होगा वापिस सी से ऐसे ही आएगा ना, क्लियर। और ये वाली रे ना थोड़ा सा ऐसे आके ये कट करेगी, इधर कट करेगी यहाँ आके, क्लियर। अब जहां पर कट करेंगे, यहाँ पर दोनों कट करी है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा बाबू, जहां पर कट करेंगे वहां पर क्या बनेगा, इमेज, यानी कि इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब देखो, अब इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है बता, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, इन बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन इमेज कहाँ है बाबू, इमेज इज, इमेज इज, इमेज इज इन बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। ये सी है और ये इनफाइनाइट है, सी और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट है ना, इमेज है ना, गॉट माई पॉइंट, सी और ऑब्जेक्ट के बीच में हम इमेज है ना, क्लियर क्लियर क्लियर, गुड। एंड एंड द थर्ड वन इज, देखो दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द साइज ऑफ इमेज, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है, और इमेज क्या है, बहुत बड़ा है। मीन्स मीन्स इमेज इज, इमेज इज लार्जर देन, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और क्या होगा, अब देखो द टू रे आर रियली इंटरसेक्टिंग ना, इंटरसेक्शन में इसका मतलब इमेज क्या होगा, इमेज विल बी रियल ऑल्सो 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 क्या होगा, अब क्या की ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट क्या बाबू ये है, ऐसा है, और इमेज क्या है, ऐसा है, इसका मतलब कौन सा इमेज है, ये इन्वर्टेड, क्या उल्टा बन रहा है, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज विल बी इन्वर्टेड। चार जो पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बनाया बताया था वही चारों याद करोगे, उन्हीं चारों को यूज करके हम इमेज बना सकते हैं कहीं से भी कहीं, क्लियर करो करो, डन 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 बाबू डन डन। इतना टाइम लगता है, एंड द फिफ्थ वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट is at focus, focus मतलब एफ का ऑब्जेक्ट होता है, इमेज कहाँ बनेगा, क्लियर। तो ये कर लो, ये मिरर है तुम्हारा, एंड दिस इज योर पोल, दिस इज योर एफ, एंड दिस इज योर सी, ऑब्जेक्ट कहाँ बाबू, यहाँ। अब हमने दो रे ले रही है, फिर वही दो रे, पहला रे द पैरेलल, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या बाबू, ये रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। सो दिस विल आफ्टर द इंटरसेक्शन पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से जाएगा, क्लियर, ये फोकस से जाएगा, क्लियर। और दूसरा ये रे लेना है जो कि सी से पास करे, सी से पास करके मतलब क्या है कि हम ऐसा रे ले लेंगे कोई, क्लियर। और ये रे क्या होगा, दिस रे पासिंग थ्रू सी, सो विल विल रिट्रेस इट पाथ, विल रिट्रेस इट पाथ, आगे बात समझ। अब देखो द टू दिस दिस टू रे आर पैरेलल, दिस इज द, यानी दिस टू, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस द टू रिफ्लेक्टेड रे रेज आर पैरेलल। सही से बनाओ के बाबू ना, घर पे पेंसिल से लेके, तो ये वाली रे और ये वाली रे दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब देखो इधर, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, दो रे जा रही है, सुनो, लुक एट मी, दो रे जा रही है और दोनों रे पैरेलल है, दोनों रे पैरेलल है, तो ये कभी कोइंसाइड करेंगे, आपस में मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं ना, टू रे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हमने ऐसा मान लिया कि दो रे जा रही है ना, तो कहीं इनफाइनाइट पे जाके क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगे, ऐसा ही जूम किया हमने, मिलेंगे, क्लियर। जैसे मान लो कि एक रे ऐसा है, और एक ऐसा रे, अभी क्या होगा, क्लियर बाबू, क्लियर। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस अब एक दो रे लेंगे, एक लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो,
और दूसरी ले लेंगे जो सी से पास करे। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, दैट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो सी से पास करेगा दैट विल रिट्रेस इट्स पास। अब दोनों रे क्या है बाबू, पैरेलल है। अगर दो रे पैरेलल है तो क्या होगा, हम ऐसा मान लेंगे कि क्या है, इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि दोनों रे इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्लियर, इमेज बनेगा। क्लियर, अब इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगा बाबू, इंफिनिटी पे, और इमेज क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि दोनों रे क्या होंगे, रियल में इंटरसेक्ट करिए, इमेज क्या बनेगा, रियल, और उसके बाद क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी क्या, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज क्या है, ऐसा है। क्लियर, ऑब्जेक्ट के ऊपर है इसका हेड, इसका हेड नीचे है, तो इमेज क्या होगा बाबू, इन्वर्टेड बनेगा, और क्या होगा, इमेज विल बी वेरी वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट का साइज क्या इतना बड़ा है और इमेज क्या है इतना बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर, बहुत बड़ा बनेगा इधर, ओके, सो इमेज विल बी वेरी लार्जर एंड ऑल्सो इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। क्लियर, नाउ विल स्टडी द सिक्स्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी। सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, when object is in between C and F and P, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में होगा बाबू तो इमेज कैसे बनेगा, क्लियर, और कहाँ बनेगा, क्या प्रॉपर्टी होगी, उसके लिए हम क्या लेंगे, हम इमेज बनाते हैं। क्लियर, तो हम ले लेंगे बाबू, ये अपना क्या है, मिरर है, दिस इज द मिरर, दिस इज द मिरर, अगेन दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल एंड दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रहा हूं, यहां पर है, तो हम दो रे लेंगे, एक रे लेंगे जो कोई ऑब्लिकली फॉल करेगा, एक मान लो कि कोई रे है जो ऑब्लिकली फॉल कर रहा है ऐसे, तो क्या होगा, जैसे फॉल करेगा वैसे क्या होगा, ये जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत, इधर चला जाएगा ये। अच्छा, दूसरी रे लेंगे तो सी से पास करेगा, तो मान लो सी से पास करने वाली ये रे है, तो जो सी से पास करेगा वो आपकी सी से पास करेगा इधर। अब देखो दो रे है, अब देखो दो रे है बाबू, इधर देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, एक रे है, सुनो इधर, एक रे है इधर, लुक एट मी, एक रे इधर जा रहा है, दूसरा ये इधर जा रहा है, दो रे ऐसे जा रही है, तो ये कभी कभी इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को, एक रे इधर है, एक रे इधर, इंटरसेक्ट करेंगे, दे आर गोइंग फार अपार्ट ना, सो दिस टू रे आर गोइंग फार अपार्ट, these two rays going far apart, so they will never intersect in the future, आगे कहीं भी जाके intersect नहीं करेंगे, means the two rays, the two rays are going far apart, so they will never इंटरसेप्ट, ये बाबू इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसको पीछे लेके जाऊं थोड़ा सा, इसको इधर और इसको इधर, तो क्या होगा, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, मींस दे आर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट at a backward point, पीछे की तरफ एक पॉइंट है और वहां पर क्या हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि दे आर इंटरसेक्टिंग, और जहां पर फील होगा कि इंटरसेक्ट करिए वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहां क्या होगा बाबू, इमेज बनेगा। अब देखो इमेज बना, क्लियर, इमेज बना, अब प्रॉपर्टी देख लो इमेज क्या होगा, पहला एक प्रॉपर्टी क्या है बाबू, पहला प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट क्या है, एफ और पी के बीच में। इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर बनाना, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद क्या होगा, इमेज क्या है बाबू, इमेज का साइज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मीन्स इमेज साइज इज लार्जर देन, दिख रहा है ये, इमेज साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज,
आउट ऑफ टू हो गए, स्टार्ट कर कंप्लीट कर देते हैं इसको, मैसेज करना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट इज इन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड साइज ऑफ इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो The two rays are not really intersecting. Means your image formed will be virtual. The image will be virtual. And also object भी यही है और image भी यही है. Means the image will be erect. So this is the property of the image when object is in between focus and the pole. चलो जल्दी लिखो. Done बेटे done. कैमरा ऑन करो एक दो. Done बाबू done. कर लिए सारा. Done. Good. So क्लियर. तो सारा चीज हमने पढ़ लिया. ये कहाँ का व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, इन्फिनिटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ एंड व्हेन अरे थोड़ा सा बाहर जाकर बात करोगे. सो क्लियर हमने क्या क्या पढ़ लिया. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्म्ड विल बी द इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस. When object is in between C and infinity, clear image will formed at C and F. When object is at say C, image will be formed at C. Clear? So six cases हमने पढ़ लिया. Now let's study the application of concave mirror. देखो टॉर्च में यूज होता है बाबू. दी पहले तो टॉर्च में यूज होता है. टॉर्च का स्पेलिंग क्या होता है? टी ओ यू आर सी एच ई. टॉर्च TORCH. ये बाबू टॉर्च में यूज होता है. घर में जो टॉर्च यूज करते हो उसमें देखना है ना कंकेव मिरर यूज होता है बल्ब के पीछे. देखना सुनो, टॉर्च यूज करते हो तो ऐसा टॉर्च होता है बाबू. देखना तो ये जो होता है ना बाबू, यहाँ बल्ब लगा होता है, ये वाला बल्ब लगा होता है. ये मिरर कौन सा है? ये वाला. यहाँ पर कंकेव मिरर लगा होता है. टॉर्च में यूज होता है या सर्च लाइट यूज होता है? सर्च लाइट में. सर्च लाइट जानते हो वो पुलिस के पास देखना ना, पुलिस के पास ना इतना मोटा एक लाइट होता है. पुलिस के पास इतना मोटा इतना बड़ा लाइट होता है. सर्च लाइट होता है वो ढूंढने के लिए चोर और को. क्लियर? देखे हो ना पुलिस के पास होता है सर्च लाइट, इतना मोटा इतना लंबा होता है. क्लियर? सर्च लाइट. क्लियर? या यहाँ भी होता है, डेंटिस्ट यूज करता है बाबू इसको क्या होगा तुम्हें मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज क्या होगा? वर्चुअल बनेगा और बड़ा बनेगा और मिरर के पीछे बनेगा. तो वो ये कंसेप्ट यूज करके दांत को, तुम्हारे छोटे से दांत को बड़ा सा करके वो देखता है. तो डेंटिस्ट यूज करता है. अब दूसरा बाबू चौथा यूज होता है फर्नेस में या कुकर में. इसको हम फर्नेस में यूज करते हैं कुकर में. जैसे होता है कि सोलर कुकर होता है सोलर से खाना बनाने के लिए. तो होता क्या है कि देखो दो तरह की रेंज होती है. पहले तो दो चीज समझ लो, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. दो चीज पहले समझ लो. डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? दो रे आपस में क्या हो रही है? मिल रही है. कन्वर्जेंस का मतलब द टू रे आर मीटिंग एट ए पॉइंट, यानी कि दो रे हैं और दोनों आपस में मिल रही है. दिस इज कन्वर्जेंस. और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? दो रे है वो आपस दूर जा रही है एक दूसरे से. मतलब ये दोनों रे क्या हो रही है बाबू? दूर जा रही है. सो व्हेन टू रे आर मूविंग फार अपार्ट, व्हेन टू रे आर मूविंग फार अपार्ट, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस. तो ये दोनों रे दूर जा रही है तो ये डाइवर्जेंस हो गया. ये दोनों क्या बाबू? ये डाइवर्जेंस है.
एंड वेन टू रेज आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर दे आर इंटरसेक्टिंग, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो ये कन्वर्जेंस हो गया। तो होता क्या है बाबू कि कंकेव मिरर यूज होता है सोलर कुकर में और फर्नेस में। तो होना क्या होता है कि जैसे सूर्य के सन के एनर्जी चारों तरफ मिल रहा है ना, तो तुमने क्या किया सन की एनर्जी को इकट्ठा करके एक जगह पर अगर फोकस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा ना। तुम लोगों ने एक टूल बॉक्स में वो मिलता है, टूल बॉक्स में एक मिलता है लेंस, देखे हो लेंस, और तुम आग लगाए हो उससे या हाथ पकड़ के देखते हो कितना जलता है, क्लियर। तो होता क्या है कि सूर्य सन से जो भी रेडिएशन आ रही है ना उसको इकट्ठा करके तुमने एक पॉइंट पर लाना शुरू किया, तो टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, उसका एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा। यही काम करता है वो लेंस और यही काम करेगा तुम्हारा मिरर। तो होगा क्या कि मान लो इधर सन स्टार है, ये सन है, इधर तुम्हारा मिरर है, तो यहाँ से बहुत सारी रेज आएंगी, ऐसे आएंगी रेज, क्लियर। मतलब यहाँ से बहुत सारी रेज आएंगी। अब सब क्या होंगे रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे क्या होंगी बाबू, मिलती है, क्या करेंगे पॉइंट पे मिलेंगी, आगे बस में तो मिलेंगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाने से क्या होगा, तुम लोहे को पिघला सकते हो, खाना बना सकते हो, जो भी मर्जी कर सकते हो। तो कहाँ यूज होगा बाबू, फर्नेस में या इलेक्ट्रिकल। फर्नेस में होता है क्या कि सन की एनर्जी से तुम लोहा पिघला सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसके लिए बड़ा बड़ा मिरर लगाया जाता है, समझ लीजिए मॉल जितना बड़ा मिरर होता है, और सन की एनर्जी को क्या करेगा इकट्ठा करके एक जगह डालेगा और वहाँ पर काम कर सकते हो। तो सोलर कुकर यूज होता है फर्नेस में। तो कहाँ कहाँ यूज होता है बाबू, टॉर्च में, सर्च लाइट में, डेंटिस्ट यूज करता है, और फर्नेस में या कुकर में। गॉट माई पॉइंट, क्लियर, सो लिख लो।